हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आज आपको एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट सब्जेक्ट्स के चैप्टर नंबर 3 थर्मल सिस्टम्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 से भी ज़्यादा एमसीक्यू बताने वाला ना हूँ, जो आने वाली एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंस रहेगी। तो चलिए अब हमारे पहले एमसीक्यू से ही स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो थोड़ा हमारा लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 45 एमसीक्यू बताया है इसीलिए। तो चलिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट एमसीक्यू से हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बॉयलर, बॉयलर का फंक्शन क्या है। तो हमारा आंसर है यहाँ पे ए, टू बर्न द फ्यूल इन ए कन्फाइंड क्लोज सिस्टम विद द सप्लाई ऑफ एयर। जो बर्न करता है वो बॉयलर का वर्क है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट विच द स्टीम बॉयलर आर कैपेबल टू विथस्टैंड। तो हमारा आंसर है यहाँ पे सी, 540 सेल्सियस, 540 सेंसियर्स होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नीड टू बी इंक्रीज टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफ़र रेट इन द बॉयलर। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसमें भी आंसर हमारा सी है, वाटर वेलोसिटीज़। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्यूपरेटर इज़ यूज मेनली एज ए वेस्ट वाटर रिकवरी सिस्टम इन ए। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, सी, बिलेट रीहीटिंग फर्नेस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सप्लाई टू ए बॉयलर, सप्लाई बॉयलर का सप्लाई क्या है। आंसर है हमारा डी, एट मोर देन द स्टीम प्रेशर ऑन द बॉयलर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटर्स द सुपर हीटर ऑफ ए बॉयलर। सुपर हीटर जो होता है बॉयलर में, वो इसका एंट्रेंस क्या है। तो हमारा आंसर है सी, विट वाटर, विट स्टीम। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीड वाटर नीड टू बी ट्रीटेड टू अवॉइड प्रॉब्लम्स इन बॉयलर्स लाइक। यहाँ पे आंसर हमारा होगा डी, ऑल ऑफ द एबो। तो उसमें क्या है, स्लज एंड स्केल इन्फॉर्मेशन, कोस्टिंग, एम्बिटेड मैटर, बॉयलर कोरोजन, ये सब इसमें इंक्लूड होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ FBC, FBC का फुल फॉर्म क्या है। तो हमारा आंसर है बी, फ्लूडाइज्ड बेड कंबर्सन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, FBC बॉयलर आर क्लासिफाइड एज, FBC बॉयलर किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हमारा आंसर सी है, उसमें क्या है, ए एंड बी दोनों इंक्लूड होते हैं, CFBCB, PFBCB दोनों इसमें आ जाते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलर टाइप ऑफ बॉयलर यूज फॉर कंबाइंड साइकिल पावर जनरेशन एप्लीकेशन। तो हमारा आंसर क्या है, कौन सा पॉपुलर है बॉयलर, PFBC हमारा सबसे पॉपुलर है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बॉयलर इज़ प्रिफर्ड कॉस्ट वाइज व्हेन द बॉयलर आर रिक्वायर्ड टू राइज लेस देन 30 टन्स ऑफ स्टीम। 30 टन्स से कम होना चाहिए। तो हमारा आंसर है डी, सेल बॉयलर है उसमें आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज़ मेनली यूज इन बॉयलर फॉर द जनरेशन ऑफ। वाटर का हम बॉयलर में क्या यूज़ करते हैं जनरेट करने के लिए। तो हमारा आंसर है सी, स्टीम जनरेट करने के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, इन FBC बॉयलर्स फ्यूडाइजेशन डिपेंड्स लार्जर ऑन। हमारा आंसर है सी। तो उसमें क्या है, ए एंड बी दोनों इंक्लूड होता है, एयर वेलोसिटी भी और पार्शियल साइज भी। उसके बाद जो है, द मटेरियल यूज टू कंट्रोल SO2 एंड NOx इन द FBC बॉयलर इज। तो हमारा आंसर क्या है, लाइमस्टोन हम यूज़ करते हैं, हमारा आंसर है ई। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया कॉमनली यूज पावर प्लांट बॉयलर आर। हमारे इंडिया में कौन सा पावर प्लांट में हम बॉयलर यूज़ करते हैं, तो पल्वराइज कोल फायर्ड बॉयलर का हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, द हीट रिकवरी डिवाइस इन विच हाई कंडक्टिविटी ब्रिक्स आर यूज फॉर स्टोरिंग हीट इज। तो हमारा आंसर क्या है, रीजनरेटर, हमारा आंसर है डी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेस्ट हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर इज यूज्ड विथ। आंसर है सी, गैस टरबाइन का हम यूज़ करते हैं, वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम होती है उसमें जनरेट के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, द वेस्ट हीट रिकवरी इक्विपमेंट इन ए कंबर्सन सिस्टम विल बी मोर इकोनॉमिकल व्हेन द एग्जिस्ट फ्यू गैसेस आर एट ए टेम्परेचर ऑफ। कितना टेम्परेचर होना चाहिए,
800 सेल्सियस होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न होता है, विच एमोंग द फॉलोइंग यूज ए सेलेड वर्किंग फ्यूड फॉर हीट रिकवरी, तो हमारा आंसर है यहाँ पे ए, हीट पाइप हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न होता है, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर टू द स्टोक इन ए रीहीटिंग फर्नेस इज बाय, हमारा आंसर क्या है, ए रेडिएशन, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होती है तब की बात है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल फॉर बेसिक टाइप ऑफ रेफ्रेक्टरी इज, तो हमारा आंसर है बी, क्रोम मैग्नेसाइट हमारा आंसर होगा और जो रेफ्रेक्टरी होती है उसके लिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 22, द मोस्ट कॉमन रेफ्रेक्टरी यूज इन फर्नेस इज, रेफ्रेक्टरी जो कॉमन यूज़ होता है तो क्या है, फायर ब्रिक के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इकोनॉमिकल इंसुलेशन इज द थिकनेस वेयर, हमारा आंसर है बी, द सम ऑफ एनर्जी कॉस्ट ड्यू टू लॉसेस एंड इंसुलेशन डिप्रेसिंग कॉस्ट इज मिनिमम। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फोर रेक्टोफ्रीज हैज द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, कौन सा, मैं तुम्हारा आंसर है ए, लाइम, CaO का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पॉइंट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलेटिंग मटेरियल मेड बाय ब्लीडिंग एंड मेल्टिंग ऑफ एल्यूमिना एंड सिलिका इज नॉन एज, उसे क्या कहते हैं, तो सिरामिक फाइबर हम उसे कहते हैं, हमारा आंसर है ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई एमिसिविटी कोटिंग्स आर मोस्ट इफेक्टिव ऑन, किसके लिए मोस्ट इफेक्टिव होता है, तो हमारा आंसर है बी, इनर सरफेस ऑफ फर्नेस के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द फर्नेस टेम्परेचर इंक्रीज द एमिसिविटी ऑफ मोस्ट रेफ्रेक्टरी मटेरियल्स, तो कौन सा है, क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, हमारा आंसर है सी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, द स्टोरेज हीट लॉसेस इन ए बैच टाइप फर्नेस कैन बी बेस्ट रिड्यूस बाय यूज ऑफ, हमारा आंसर है बी, व्हाट फेस सिरामिक फाइबर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसुलेटिंग ब्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी सेविंग, तो हमारा आंसर है ए, पोरोसिटी हमारा आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेसिस रेफ्रेक्टरी, तो सिंथेसिस रेफ्रेक्टरी कौन सा है, SiC, हमारा आंसर है सी, वो सिंथेटिक रेफ्रेक्टरी होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, एल्यूमिना इज ए टाइप ऑफ रेफ्रेक्टरी, एल्यूमिना कौन से टाइप का है, तो वो नेचुरल टाइप का, आंसर है हमारा सी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, डोलोमाइट इज ए टाइप ऑफ रेफ्रेक्टरी, डोलोमाइट किस टाइप का है, तो बेसिक टाइप का है। यहाँ पे जो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 30, 31 एंड 32, उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन तो आ सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए बेसिक रेफ्रेक्टरी, तो आंसर है सी, मैग्नेसाइट हमारा बेसिक टाइप का होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसुलेशन यूज फॉर टेम्परेचर मोर देन 350 सेल्सियस, तो हमारा आंसर है सी, सेल्सियम सिलिकेट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसुलेशन मटेरियल सूटेबल फॉर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन टू प्रिवेंट हीट गेन इज, हमारा आंसर है डी, पोल्यूरिथेन, पोल्यूरिथेन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिटरमिनिंग द इकोनॉमिक थिकनेस ऑफ स्टीम पाइप इंसुलेटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, कौन सी रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमारा आंसर है स्टी सी, स्टीम प्रेशर की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज ए क्रिटिकल फॉर FBC बॉयलर, तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबो, उसमें क्या है, प्रेशर ऑफ फ्लूडाइजेशन एयर, क्रिटिकल फ्यूडिजेशन वेलोसिटी, साइज ऑफ फ्यूअल पार्शियल, ये तीनों इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेजर एडवांटेजेस ऑफ PFBC बॉयलर कंप्रेस टू कन्वेंशनल पल्वराइजेशन कोल फाइबर बॉयलर इज, हमारा आंसर है डी, मच स्मॉलर साइज, साइज जैसे वो होती है वो कम होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इक्वल कैपेसिटी द बॉयलर साइज इज द स्मॉलेस्ट फॉर, हमारा आंसर है
सी PFBC हम बॉयलर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, क्वालिटी ऑफ वेस्ट हीट इन फ्यू गैस रिफर्स टू, हमारा आंसर है बी टेम्परेचर, टेम्परेचर को रिफर करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हीट रिकवरी इक्विपमेंट्स वर्क ऑन ए वेपर कंप्रेशन साइकिल, कौन सी यूज़ करते हैं? तो हीट पंप हम, हमारा आंसर है सी, हीट पंप हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए लो टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ द मोस्ट सूटेबल, कौन सा डिवाइस सूटेबल है? तो हीट व्हील्स, हमारा आंसर है बी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, ए थर्मल इंसुलेटर हैज, थर्मल इंसुलेटर क्या है? तो आंसर है ए, लो थर्मल कंडक्टिविटी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसुलेशन मटेरियल यूज फॉर मीडियम टेम्परेचर एप्लीकेशन, हमारा आंसर है ए, कैल्शियम सिलिकेट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर हाई टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी, तो आंसर है हमारा डी, रेक्यूपरेटर हम सबसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 45 MCQ बताए, जो आने वाली GTU एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।